भारत में इन दिनों अलग अलग तरह की बाइक्स एंट्री ले रही हैं और अब टीवीएस ने एथेनॉल से चलने वाली अपनी पहली बाइक को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये बाइक है टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V का स्पेशल वर्जन, जो कि पहले से ही भारत में काफी पॉपुलर है। आइए आपको इस गाड़ी के बारे में बताते हैं और फिर अगर आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं, और ऐसे ही काम के अपडेट मिस ना हो जाएं इसलिए आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। कंपनी ने इथेनॉल से चलने वाली इस अपाचे आरटीआर 4V को सबसे पहले 2018 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था और उसके बाद अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। यहां इस गाड़ी के साथ एक लिमिटेशन भी है और वो ये कि फिलहाल इसे सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में ही खरीद सकते हैं, बाकी राज्यों में ये गाड़ी बिक्री के लिए मौजूद नहीं है। लुक्स और डिजाइन के मामले में ये गाड़ी अभी मिल रही अपाचे आरटीआर 4V से पूरी तरह मेल खाती है, पर इस गाड़ी की बॉडी पर आपको ग्रीन बॉडी डिलक्स मिलेगी, जो कि इसकी एक अलग पहचान बनाता है और ये ही दिखाता है कि ये इको फ्रेंडली बाइक है। इंजन के मामले में अपाचे आरटीआर 4V इथेनॉल में कंपनी ने 200cc का इंजन दिया है, जो कि 20.7 bhp की पावर और 18.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स है और गाड़ी की अधिकतम रफ्तार 129 किलोमीटर हो सकती है, मतलब ये कि आपको रफ्तार की कहीं कोई कमी महसूस नहीं होगी। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसमें आपको स्प्रे ट्विन पोर्ट के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जो कि इसे शानदार पावर भी देता है और फ्यूल फिल्टर को साफ भी रखता है, इस वजह से परफॉर्मेंस में जरा भी कमी नहीं आती है। रही बात कीमत की, तो इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 1,20,000 से शुरू होती है, जो कि ज्यादा नहीं है। हम यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में अल्टरनेटिव फ्यूल वाली गाड़ियां ही सफल होंगी, तो अपाचे आरटीआर 4V FIE 100 इथेनॉल का फ्यूचर बेहतर है। क्या आप भी इस बाइक को खरीदना चाहेंगे या नहीं, हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।